बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक हम वर्टिब्रेट और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और हम कहते हैं कि मोस्टली ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमंस, और इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। तो ये कदरे सिंपल होते हैं, इनके जो अंदर डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो वर्टिब्रेट की निस्बत से क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, वही अब हम देखेंगे। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, एलिमिनेशन का, ये हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। अब देखें, मैं साथ ही साथ एवोल्यूशन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से इवॉल्व हुआ है किडनी। अगर आप देखें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी आपको देखने को मिलता है, तो ये जो है प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच, इनके अंदर जो आपके पास इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ये जो ये मतलब के जिस तरह से ये नेफ्रॉन की जो है फॉर्मेशन बनी है लास्ट में आके किडनी के अंदर, या किडनी की फॉर्मेशन हुई है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम बारी बारी से हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन का जो है वो प्रोसेस भी पढ़ेंगे, साथ साथ इन्वायरमेंटल चेंजेस भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। प्लेनेरिया जो है ये क्या है, फ्लैट वर्म है। इसका ताल्लुक जो है वो फाइलम प्लेटीहेलमेंसिस से है। फ्लैट वर्म इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ये मेरा हाथ है ना चिपटा हुआ, ये देख लें इस तरह से फ्लैट, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिज्म भी जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, फ्लैट वर्म बोला जाता है। अब ये जो फ्लैट वर्म है, जो जो प्लेनेरिया है, इसके अंदर जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ट्यूबुलर सिस्टम है। ट्यूबुलर आप कहेंगे कि ट्यूब्यूल्स पर वो जो है मुश्तमिल है, ट्यूबुलर सिस्टम, छोटी छोटी इसके अंदर ट्यूब्स होंगी। अब इन ट्यूब्स को क्या क्या कहा जाता है, प्रोटो नेफ्रीडियम, याद रख लें प्रोटो नेफ्रीडियम। अब ये देखें, प्रोटोमीन पहले, नेफ्रीडियम नेफ्रॉन से निकलना, यानी कि नेफ्रॉन बनने से पहले का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, प्रोटोनेफ्रीडियम, प्रोटोनेफ्रीडियम उसको बोलते हैं। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास जो प्लेनेरिया है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे होता है, इस तरह से बिल्कुल फ्लैट होता है, ये फ्लैट वर्म है। अब इसके अंदर जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इस तरह से ट्यूब्स पर, ये एक ट्यूब है, ट्यूबुलर सिस्टम है। अब इस ट्यूब को भी आप क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली प्रोटोनेफ्रीडियम का नाम देंगे। ये जो इसकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैली हुई होती है। अब इसका काम क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो डियर स्टूडेंट्स ये ट्यूब है बेसिक, इस ट्यूब के आगे इस तरह से ब्लंट एंड है और ब्लंट एंड के बाद दोबारा से फिर ट्यूब जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इस ट्यूब के आगे, इस ट्यूब के आगे जो है वो फ्लेम सेल लगे हुए हैं। अब इन फ्लेम सेल्स के पास अपना जो है वो न्यूक्लियस होता है। अब डियर स्टूडेंट्स इस फ्लेम सेल के ऊपर क्या चीज लगी हुई है, सीलिया लगे हुए हैं, सीलिया। अब ये सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया का काम है बीट करना, मतलब इस तरह से ये बीट करते हैं। जब ये बीट करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम, यानी कि जो शोला होता है मोमबत्ती का, कैंडल का, अगर उसको हवा लगे तो वो फ्लिकर ऐसे ऐसे करता है, हिलता है, उसको हम बोलते हैं फ्लिकरिंग फ्लेम। दैट्स वाई वी कॉल देम फ्लेम सेल, हमने इनको क्या नाम दे दिया है, फ्लेम सेल का नाम दे दिया। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो सीलिया हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब ये मूव करेंगे तो ये इसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। इस नाइट्रोजनस वेस्ट को ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन वेस्ट है सपोज, इस नाइट्रोजन वेस्ट को जब ये मूव करेंगे, प्रोपेल करेंगे किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को इनसाइड द
ट्यूब, ये ट्यूब के अंदर लेकर आ जाएंगे। अब इस अब जो बॉडी के अंदर पड़ा हुआ था, जो इसकी सिलोम के अंदर आप कह सकते हैं जो कैविटी है उसके अंदर पड़ा हुआ था, चूंकि इसके अंदर सिलोम नहीं होती, जो इसकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है जो मटेरियल पड़ा हुआ है नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो जो है फ्लेम सेल की मदद से इस ट्यूब के अंदर आ गए हुए, एक्सक्रीटरी ट्यूब के अंदर। अब ये जो ट्यूब होती है, ये वाली ट्यूब डियर स्टूडेंट, ये आगे इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आके खुलते हैं ऐसे, मतलब ये ऐसे पोर हैं इसके अंदर, ये पोर्स हैं जो आके खुलते हैं जो एक्सटीरियर साइड है इसकी बॉडी की उसके अंदर ऐसे, ये पोर कहलाते हैं नेफ्रिडियो पोर। ये पोर क्या कहलाएंगे? नेफ्रिडियो पोर्स। अब ये किधर प्रेजेंट है पोर्स? ये इसकी बॉडी के अंदर आउटसाइड पर जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो मटेरियल था जो बॉडी से आया, बॉडी से आ रहा है ये मटेरियल, और ये नेफ्रिडियो पोर से आउटसाइड पे जो है वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। इसको आप क्या बोलते हैं? ये जो चीज़ है ये आप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। सो स्टूडेंट्स, प्रोटोनेफ्रीडियम जो है ये सबसे पहले जो देखा गया है वो किसके अंदर देखा गया है? प्लेनेरिया के अंदर देखा गया है। सम एनिलिड्स भी हैं उनके अंदर भी है, लेकिन मेनली जो आपकी बुक में मेंशन है वो आपके पास प्लेटीहेलमिंथेसिस का प्लेनेरिया, उसमें देखा गया। अब प्रोटोनेफ्रीडियम जो है एक ट्यूबुलर सिस्टम है जो किस चीज़ पर मुश्तमिल है? ट्यूब और उसके आगे ब्लंट एंड, यानी कि आगे से जो है वो ओपन एंड नहीं होता, और उस ओपन एंड जो ब्लंट एंड होता है उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? फ्लेम सेल लगा हुआ होता है, और फ्लेम सेल के ऊपर क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। सीलिया क्या करते हैं? बीट करते हैं। तो इसके जो बॉडी का फ्लूइड है उसको एक ट्यूब के अंदर लेकर आया जाता है, और उसी ट्यूब के आगे फिर उसमें सुराख होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर वाली साइड पे उससे क्या कर दिया जाता है? फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू के साथ दिखाया गया, ये इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट है, इसको ये ट्यूब के अंदर लेकर आएगा, ट्यूब को ये नेफ्रिडियो पोर से क्या करेगा? आउटसाइड ऑफ द बॉडी कर देगा। तो ये बिल्कुल एक सादा सा है। तो अगर आपने इसको पेपर में लिखना है तो आपसे पूछा जाता, आप सबसे पहले ये बताएंगे ये फ्लैट वर्म है, इसका एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है ये किस चीज़ पर मुश्तमिल है? ये है ट्यूबुलर सिस्टम पर, और वो ट्यूबुलर सिस्टम क्या कहलाता है? प्रोटोनेफ्रीडियम कहलाता है। प्रोटोनेफ्रीडियम के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कहते हैं कि इट्स अ ट्यूबुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स, ठीक है, फ्लेम सेल एज वेल एज ट्यूब एंड एज वेल एज नेफ्रिडियो पोर, इन चीज़ों पर जो है ये मुश्तमिल क्या कहलाता है आपके पास? प्रोटोनेफ्रीडियम कहलाता है, और बड़ा सादा सा है। अब हम ये देखते हैं, चूंकि ये प्रेजेंट किधर हैं डियर स्टूडेंट्स? ये प्रेजेंट होते हैं स्पेशली फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर में आपको पता है वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी, तो इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो होगा अमोनिया। वो क्या होगा? अमोनिया। अमोनिया के लिए कितना चाहिए? 500 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को एक्सक्रीट करने के। तो इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी चूंकि ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वी कॉल देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया होगा। समटाइम ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रखते हैं जब ये पैरासिटिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं एज ए एंडोपैरासाइट के तौर पर। अब हम देखेंगे अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म जो है वो एनालिडा से है। अब जो अर्थवर्म है इसकी बॉडी जो है वो आपके पास क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, मतलब आप कह लें सेप्टम होते हैं उसके अंदर, सेगमेंटेड है। अब कैसे सेगमेंटेड है? मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये एक अर्थवर्म है उसका जो, मिसाल के तौर पर ये एक अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है सपोज। अब अर्थवर्म को मैंने चूंकि इसके ये जो बनाया है मैंने स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं ट्रेन के डब्बे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होता है, बिल्कुल उसी तरह से है ये। ये आपके पास जो है डियर स्टूडेंट, इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया है। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है आप कह सकते हैं वो भी ट्यूबुलर है। याद रखें इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी कौन सा है? ट्यूबुलर है। तो आपके पास इधर भी कौन सा था? ट्यूबुलर था। एंड एज वेल एज
इधर आपके पास प्रोटोनेफ्रीडियम था, यहां पर थोड़ी सी उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है, एवोल्यूशन हुई है, इससे अच्छा और बेहतर हुआ है, आपने उसको नाम क्या दे दिया है, मेटानेफ्रीडियम। ये साथ साथ आपको एवोल्यूशन के बारे में भी बता रहा हूं। तो ये एवोल्यूशन हुई है, ये सिंपल था, सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पर क्या बनाया डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मेटानेफ्रीडियम। अब ये जो मेटानेफ्रीडियम है ये भी ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, तो ये एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से जो सेपरेट होता है इसको हम बोलते हैं सेप्टम, सेप्टा होता है, उसने क्या किया होता है, इन दोनों को सेपरेट किया होता है। बट अभी भी ये फुली सेपरेट नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसकी ट्यूब इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हर पीछे वाले की ट्यूब जो है वो अगले वाले में है। अब होता क्या है, ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलते हैं, सीलिएटेड होता है ये भी, इसको आप बोलते हैं नेफ्रो स्टोम, स्टोमा मीन बॉडी होता है, नेफ्रो मीन यानी कि नेफ्रॉन बनने से पहले की जो है बॉडी, ट्यूबुलर सिस्टम, नेफ्रोस्टोम जो क्या करता है इसके ऊपर ये सीलिए हैं। अब देखते हैं इसका काम क्या है। इसी तरह से ये आगे यानी कि प्रोलॉन्ग करता है ट्यूब की शक्ल में, ट्यूब की शक्ल में ये जाएगा और डियर स्टूडेंट्स ये आगे इस तरह से बॉडी से बाहर ये जो होगा आपके पास ये क्या कहलाएगा, नेफ्रीडियोपोर कहलाएगा, नेफ्रीडियोपोर कहलाएगा। अब ये जो नेफ्रोस्टोम एक ट्यूब और उसके साथ साथ नेफ्रीडियोपोर ये मिलकर क्या बना रहे हैं, मेटानेफ्रीडियम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ही ट्यूब पर मुश्तमिल है, बट अर्थवर्म के केस में हर एक डब्बे में क्या होगा, हर एक उसके पोर्शन के अंदर मेटानेफ्रीडियम का पेयर होगा। देख लें इसमें सिंगल था, यहां पर पेयर है, तो हमारे अंदर भी क्या है, किडनी के पेयर होते हैं, तो इट्स मीन कि ये एवोल्यूशन हो रही है टूवर्ड्स किडनी। सो आप देखें इसी तरह से इसका नेफ्रोस्टोम इधर होगा और इसका ट्यूबुलर सिस्टम ये होगा, और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये इस तरह से नेफ्रीडियोपोर के अंदर आके ओपन हो जाएगा। अब क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसका मेटानेफ्रीडियम इससे नेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर, मतलब उसके नेफ्रोस्टोम होगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस पोर्शन के अंदर इसका ये क्या है, सिलोमिक फ्लूइड। अब ये इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इसमें इसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस नेफ्रोस्टोम एंड सीलिया, ये इसका जो सिलोमिक फ्लूइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको क्या किधर लेकर आ जाता है, इन द मेटानेफ्रीडियम, मेटानेफ्रीडियम के अंदर लेकर आएगा। अब मेटानेफ्रीडियम में डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी होगा। सो जब ये इसके अंदर आएगा तो इसमें से इन ब्लड कैपिलरीज में जो अच्छा मटेरियल होगा, जो काम की चीजें, उनकी दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करवा ली जाती है, इसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है ताकि ब्लड के अंदर जो है वो दोबारा से रीसर्कुलेट कर जाए। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो था, या आप कह सकते हैं सिलोमिक फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड से सिलोम के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको किधर लेकर आया, मेटानेफ्रीडियम के अंदर, मेटानेफ्रीडियम के अंदर जैसे आया तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुई, रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद उस दोबारा से जो मटेरियल काम का था उसको ब्लड के अंदर फेंक दिया गया, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को इधर ब्लैडर होता है, पार्शली ब्लैडर, पहले उसके अंदर फेंका जाता है, फिर नेफ्रीडियोपोर से बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये आपके पास मेटानेफ्रीडियम है। अगर इस पर क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे अर्थवर्म इज बिलोंग्स टू एनालिट्स एंड इट बॉडी इज सेगमेंटेड, ईच सेगमेंट इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टा एंड इट हैज आल्सो ट्यूबुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज कॉल्ड मेनली मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रीडियोपोर एंड एज वेल एज अ ट्यूबुलर सिस्टम कंटेनिंग पार्शली आप कह सकते हैं स्ट्रक्चराइज्ड ब्लैडर एंड एज वेल एज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक हो गया, नेफ्रोस्टोम जो है वो एक तरफ से लेगा मटेरियल को, फिर वो मेटानेफ्रीडियम के अंदर भेजेगा, मेटानेफ्रीडियम में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी और फिर वो इस पोर्शन का जो वेस्ट मटेरियल है वो इस पोर्शन से निकाल देगा। इसी तरह से इसका ये निकालेगा, इसका इसके नेक्स्ट वाला निकालेगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मॉडरेट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, मॉडरेट
वाटर अवेलेबिलिटी है, यानी कि इनके पास इतनी ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा इनका, वो आपके पास क्या होगा, यूरिया। सो आप देखें, इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी तो इन्होंने अमोनिया को तरजीह दी, इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो इन्होंने यूरिया को तरजीह दी, क्योंकि 50 ml ऑफ H2 रिक्वायर्ड 1 gram यूरिया सो एलिमिनेट, यानी कि 1 gram यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास 50 ml जो है वो वाटर नेसेसरी होता है। सो अब हम आएंगे कॉकरोच की तरफ। ये जो है ये इन दोनों से डिफरेंस है, ये भी ट्यूबुलर पे ही, याद रख लें इसका स्ट्रक्चर भी कौन सा है, ट्यूबुलर है बट एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दुनिया में वाहिद इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है। बाकी इसका जो है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम अलहदा है और एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, बट इस केस में हमारा भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है लाइक वो माउथ, ईसोफेगस, फेरिंग्स, लेरिंग्स, और उसके बाद आपके पास जो है वो स्टमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस पर जो है वो मुश्तमिल है। इसी तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पेयर ऑफ किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा पर है। दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। बट कॉकरोच या जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक कॉकरोच की जो है वो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जी एक कॉकरोच है, ये कॉकरोच जो है इसमें जो इसकी गट है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि माउथ से लेकर एनस तक, सपोज वो ये है, ये इसमें कॉर्क भी आ जाएगी, गिजर्ड भी आ जाएगी, और ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है इसको आप क्या बोलते हैं, ये माउथ है, माउथ से ये आपके पास क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा, ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा जो पार्शली स्टोर करता है फिशेस को। अब डियर स्टूडेंट, इसकी गट जो है बेसिकली वो 3 हिस्सों पर डिवाइड होती है। ये आपके पास क्या कहलाती है, फोर गट। ये आपके पास क्या कहलाएगी, मिड गट, और ये लास्ट वाली आपके पास क्या कहलाएगी, हाइंड गट। अब चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसका भी सिस्टम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है ट्यूबुलर, बट वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है और जिसको आप एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, या फिर आपके पास ये मिड गट के अंदर ये इस तरह से येलो कलर की, आपको इनका कलर क्या होगा, येलो कलर होगा, और वो 15 से 20 कितनी होंगी, 15 से 20 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होंगी जो स्पेसिफाइड हैं इसमें किसके लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। ये इसकी किस गट के अंदर प्रेजेंट है, मिड गट के अंदर, मिड गट के साथ एसोसिएटेड, और ये पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैली हुई होती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पर होता क्या है, एक्चुअली ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके जो एंड होते हैं वो ब्लंट होते हैं, यानी कि ये कौन से होते हैं, ब्लंट एंड्स, आगे से ओपन ये नहीं होंगी, आगे से क्या होंगी, ये क्लोज होंगी, इनको हम ब्लंट एंड का नाम देते हैं। अब होता क्या है, ये जो इसकी सारी कैविटी है जिसको हम सीलोम बोलते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ, क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। तो ये क्या करती हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये इसकी बॉडी के अंदर इस तरह से मूव कर रही होती हैं, कॉकरोच की बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, कैविटी के अंदर, और ये हीमोलिम्फ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको कलेक्ट करेंगी, और कलेक्ट करने के बाद ये उसको उसकी गट के अंदर फेंक देगी। याद रखें
मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो 15 से 20 ट्यूब्यूल्स होती हैं, येलो कलर की होती हैं, और वो क्या करती हैं, हीमोलिम्फ जो कि बॉडी कैविटी के अंदर साइनस के अंदर पड़ा हुआ है उसमें से ये क्या करती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट करके स्टूडेंट्स ये किधर भेज देती हैं, उसको उसकी गट के अंदर। तो स्पेशली कौन सी, ये इसकी होती है कोलोन, तो इसकी कोलोन के अंदर भेजेंगी, कोलोन से फिर वो किधर जाएगा, रेक्टम में जाएगा। कौन सा मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इसका किधर जाएगा, रेक्टम के अंदर जाएगा। एंड एज वेल एज इसका जो डाइजेस्टिव मटेरियल जिसको आप फीसिस बोलते हैं वो भी रेक्टम में आके स्टोर होगा। तो दोनों के अंदर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, दोनों के अंदर से रेक्टम में क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और पीछे जो होगा जो मटेरियल बच जाएगा वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीटा के नाम से, एक्सक्रीटा के नाम से उसको हम कहते हैं कि ये जो एक्सक्रीटा है इस पे क्वेश्चन आया है एंट्री टेस्ट में। एक्सक्रीटा की कंपोजिशन एक्चुअली क्या होती है, इसके पास डाइजेस्टिव मटेरियल का जो यानी कि फीसिस भी होता है एंड एज वेल एज इसके पास जो है वो आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मटेरियल है नाइट्रोजनस वेस्ट है, किस फॉर्म में, आप कहते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो इस एक्सक्रीटा के अंदर प्रेजेंस होंगे अलोंग विद फीसिस। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएटेड है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स अब बात आती है लास्ट पेज, कॉकरोच जो है ये सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो क्यों जो है वो रिमूव करता है, क्योंकि इसके पास जो जो इसका करैक्टर है इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के पास जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि मोस्टली इंसेक्ट आपको पता जो है वो डेजर्ट के अंदर रह रहे होते हैं, तो वाटर अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से ये कौन सी चीज़ एक्सक्रीट करेंगे, दैट इज़ द यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड 1 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड, 1 ग्राम यूरिक एसिड को 1 ml वाटर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि बहुत कम वाटर भी जो है वो इसके लिए है नेसेसरी होता है कि उसको रिमूव किया जाए अब इनकी बॉडी से। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या था, यहाँ तक एक ओवरव्यू है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो होगी एक्सक्रीशन के बारे में हमारा लेक्चर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कट अब डिफरेंस पता चल जाना चाहिए। तीनों में है ट्यूबुलर सिस्टम, ठीक हो गया, इसमें प्रोटोनेफ्रीडियम है जो कि फ्लेम सेल और नेफ्रीडियोपोर और एक ट्यूब पर मुश्तमिल है, इसमें मेटानेफ्रीडियम है जो नेफ्रोस्टोम, नेफ्रीडियोपोर और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड एज वेल एज अ ट्यूब सिस्टम पर मुश्तमिल है, और इसका तो है ही बहुत सिंपल, जो 15-20 जो हैं वो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह कल हमारा होगा एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।